जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों पहले REC टिकट के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिस पर आपका काफ़ी प्यार मिला और साथ ही ढेर सारे सवाल भी, जैसे कि REC का डब्बा कौन सा होता है, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या REC टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, इसके कंफर्म होने के कितने चांस होते हैं, और अगर कंफर्म हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टिकट कंफर्म हुई या नहीं, वगैरह वगैरह। दोस्तों आज आप सीखने जा रहे हैं रेलवे सिस्टम के बारे में। पूरी वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। किसी लंबी दूरी की ट्रेन में 5 तरह के डब्बे या कोच होते हैं जिसमें आप यात्रा कर सकते हैं। जनरल कोच, स्लीपर कोच, थर्ड एसी कोच, सेकंड एसी कोच, फर्स्ट एसी कोच। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेन में स्पेशल टाइप के कोच भी लगे होते हैं, जैसे एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार, थर्ड इकोनमी आदि। लेकिन फिलहाल हम स्पेशल ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको करते हैं साइड में। तो इन 5 तरह के डब्बों में केवल जनरल कोच ही ऐसा होता है जिसके लिए किसी तरह की टिकट बुक करवाने की ज़रूरत नहीं होती। बस स्टेशन से साधारण टिकट लें और इसमें यात्रा करें। अब चूंकि ये जनरल कोच है तो इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपको लंबी दूरी तक यात्रा करनी है तो आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर बात करें बाकी के बचे 4 डब्बों की, तो उसमें यात्रा करने से पहले आपको उसकी टिकट बुक करवानी होगी। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी कोच के बीच का जो फ़र्क होता है वो पता होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, तो डब्बों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि टिकट बुकिंग का प्रोसेस सभी डब्बों में लगभग एक जैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ तक ये समझ में आ गया कि डब्बे 5 तरह के होते हैं। जनरल डब्बे में यात्रा कर सकते हैं साधारण टिकट से, और बाकी के 4 डब्बों के लिए आपको टिकट बुक करवाना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने टिकट बुकिंग के अलग अलग कोटे बना रखे हैं, जैसे कि जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम कोटा, लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, फिजिकल हैंडीकैप कोटा, ड्यूटी पास कोटा आदि। इनके अलावा एक VIP कोटा भी होता है, लेकिन ये हम जैसे आम आदमी को बुकिंग के टाइम पर नहीं दिखाया जाता। लास्ट में मैं आपको एक ऐसे कोटे के बारे में भी बताऊंगा जिसमें टिकट की कीमत भी कम होती है और उसमें कंफर्म टिकट मिलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इस कोटे के लिए VIP होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब आप भी इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। तो आइए इन सब कोटों के बारे में एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कोटे की। दोस्तों किसी ट्रेन की कुल बुकिंग सीट का लगभग 60% बुकिंग जनरल कोटे के लिए रखी जाती है। मान लो किसी ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच को मिला के कुल 400 सीट हैं, तो इसका करीब 60% हिस्सा यानी करीब 240 सीट जनरल कोटे से बुक किया जाता है। यहाँ आप जनरल कोटे का मतलब किसी जाति या धर्म विशेष से मत समझ लेना। कभी आपको लगे कि नौकरी के टाइम जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो कैटेगरी भरी जाती है ये उससे अलग है। इस कोटे में कोई भी व्यक्ति 90 दिन तक एडवांस में बुकिंग करवा सकता है। अगर आपको पता है कि आप 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर कहीं जाने वाले हैं, तो आप इस कोटे में किसी भी डब्बे में, फिर वो चाहे एसी डब्बा हो या स्लीपर डब्बा हो, आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये बुकिंग आप रेलवे स्टेशन, रेलवे एजेंट या खुद IRCTC की ऐप और वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, भारत में कई तरह की ट्रेन चलती हैं, कुछ स्पेशल ट्रेन में ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कि अहमदाबाद से एक ट्रेन चलती है एकता नगर के लिए, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए चलाई जाती है। इस ट्रेन में आप 90 दिन पहले टिकट नहीं ले सकते। इसके लिए आप ट्रेन चलने के एक सप्ताह पहले ही टिकट बुक करवा सकते हैं। बाकी त्योहार के समय में भी रेलवे इनमें बदलाव करता रहता है। तो ये तो हो गई तब की बात जब आपको पता है कि आपको 3 महीने बाद कहीं जाना है या 3 महीने के अंदर कहीं आपको यात्रा करनी है, तो आप जनरल कोटे से अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। ऐसे तो आप ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले भी जनरल कोटे में टिकट बनवा सकते हैं,
लेकिन उसमें आपको कंफर्म सीट मिलने के चांस लगभग 9 के बराबर होंगे। 4 घंटे मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन का चार्ट उसके पहले स्टेशन से चलने के समय से 4 घंटे पहले बनाया जाता है। जैसे कि कोई ट्रेन दिल्ली से शाम को 6 बजे चलती है तो उसका चार्ट 4 घंटे पहले यानी 2 बजे के करीब बन जाएगा। तो कुल मिला के जनरल कोटे से आप किसी ट्रेन में उसके चलने से 4 घंटे पहले से लेके 90 दिन पहले तक इसके बीच में अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। आपको टिकट कंफर्म मिलेगी या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस रूट पर कितने दिन पहले अपनी बुकिंग करवाते हैं। कुछ रूट ऐसे होते हैं जिस पर आपको यात्रा से 3 दिन पहले भी कंफर्म टिकट मिल जाएगी और कुछ रूट ऐसे होते हैं जिस पर आपको 60 दिन के पहले भी हो सकता है कंफर्म टिकट न मिले। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। बाकी फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले कोटे की तरफ जिसका नाम है तत्काल कोटा या प्रीमियम तत्काल कोटा। काफ़ी बार हमें अचानक से कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाती है और उस टाइम जब हम टिकट देखते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन में तो पहले से ही सारी सीटें बुक हो चुकी होती हैं। तब तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा काम में आता है। इसकी टिकट आप यात्रा से 1 दिन पहले बुक करवा सकते हैं। मान लो आपको सोमवार के दिन यात्रा करनी है तो आप 1 दिन पहले यानी रविवार को उसकी टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटे के लिए एक निश्चित समय तय किया गया है। अगर आपको एसी डब्बे में टिकट बुक करवानी है तो इसके लिए बुकिंग यात्रा से 1 दिन पहले सुबह 10 बजे इसकी बुकिंग शुरू होती है और अगर स्लीपर में बुक करवानी है तो इसकी बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होती है। जब तत्काल कोटे में भी टिकट न मिले तो आप प्रीमियम तत्काल वाले कोटे से टिकट बुक कर सकते हैं। इस कोटे में भी बुकिंग का समय तत्काल कोटे की तरह सेम होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि रेलवे यात्रियों की मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हुए इसकी टिकट को करीब करीब 2 गुना महंगा कर देता है। अब इसके बाद आता है लेडीज़ कोटा जो कि सिर्फ नाम नाम का कोटा होता है। पहली बात तो ये कोटा सभी रेलगाड़ियों में नहीं होता और दूसरी बात ये कि इस कोटे में सिर्फ 6 सीट ही आती हैं। तो अब आप ही बताएं कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी में 6 सीट से क्या ही होगा। अच्छा, रेलगाड़ी से याद आया कि आपको पता है कि रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? पता है तो बताओ। हाँ, तो इसलिए मैंने ये कोटा सिर्फ नाम नाम का कोटा ही कहा था। इसके बाद आता है सीनियर सिटीज़न कोटा जिसके लिए सीनियर सिटीज़न कार्ड या एज प्रूफ चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप कोटा, इसके लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आता है ड्यूटी पास कोटा, नाम से ही पता चल रहा है ये कोटा रेलवे स्टाफ के लिए होता है। वीआईपी कोटे के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कोटा बुकिंग करते टाइम वेबसाइट या एप्लीकेशन में नहीं दिखाई देता, ये रेलवे के सीनियर स्टाफ डिसाइड करते हैं। डिसाइड इसलिए बोला क्योंकि कितने ही वीआईपी लोग कितनी ही बार रेल से यात्रा करते होंगे जरा सोचिए। तो इसीलिए सीनियर स्टाफ सीट खाली होने पर अपने जान पहचान वालों को इस कोटे में सीट दिला देते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने भी वीआईपी कोटे से यात्रा की हुई है। तो दोस्तों, अब तक हम सीख चुके हैं कि डब्बे 5 तरह के होते हैं जिसमें से जनरल डब्बे में साधारण टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं और बाकी के 4 डब्बों के लिए टिकट बुक करवाना पड़ता है जिसके लिए हमारे पास अलग अलग कोटे बने होते हैं। अब हम बात करते हैं टिकट कितने प्रकार की होती है। कन्फर्म टिकट, NOSB यानी नो सीट बर्थ, वेटिंग टिकट और RAC टिकट। आइए इन सभी टिकट के बारे में एक एक करके बात करते हैं। कन्फर्म टिकट, मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना पड़ेगा। जब एक टिकट पर आपको पूरी सीट से यात्रा करने की अनुमति मिल जाती है तो उसको कन्फर्म टिकट कहते हैं। NOSB टिकट यानी नो सीट बर्थ टिकट, ये टिकट 3 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए होता है। इसमें आधी टिकट का पैसा देना होता है लेकिन बदले में कोई अलग से सीट नहीं मिलती।
बच्चा आपकी सीट पर यात्रा कर सकता है। तो इस टिकट को NOSB यानी नो सीट बर्थ कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है वेटिंग टिकट। वैसे तो वेटिंग टिकट का सीधा सा मतलब होता है कि आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। अगर आपने रेलवे स्टेशन या किसी एजेंट से ऑफलाइन टिकट बनवाई है तो आप उस टिकट पर ट्रेन में यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। और अगर आपकी टिकट ऑनलाइन बनी हुई है और वेटिंग है तो उस पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वेटिंग टिकट के सामने कभी GNWL, कभी TQWL, कभी PQWL आदि लिखा होता है? तो इन सब का क्या मतलब होता है? दरअसल दोस्तों, वेटिंग टिकट भी 5 तरह की होती है, आइए जानते हैं ये भी। GNWL यानी जर्नल वेटिंग लिस्ट। अगर आपकी ट्रेन से यात्रा करने वाला कोई कन्फर्म यात्री अपनी टिकट रद्द करेगा, कैंसिल करेगा, तो आपको उसकी सीट दे दी जाएगी, बशर्ते आपसे पहले वेटिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी है TQWL यानी तत्काल वेटिंग लिस्ट। जब कोई यात्रा के एक दिन पहले तत्काल कोटे में टिकट बुक करता है और उसको टिकट नहीं मिलती है तो उसकी टिकट तत्काल वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। इस टिकट के कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। उसके बाद आता है PQWL यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। इस वेटिंग लिस्ट में वो यात्री आते हैं जो शुरुआत और अंतिम स्टेशन के बीच में उतरने चढ़ने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली से मुंबई जा रही ट्रेन में जयपुर से अहमदाबाद उतरने वाले यात्री। उसके बाद आता है RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। छोटे स्टेशनों को भी ट्रेन में सीट का कोटा मिलता है। ये स्टेशन दूर दराज के इलाकों में होते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को इस लिस्ट में डाला जाता है। इस टाइप की वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। उसके बाद आता है RSWL यानी रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ऐसी वेटिंग लिस्ट जो ट्रेन के शुरुआत वाले स्टेशन से मिलती है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी ट्रेन में दिल्ली से ट्रेन बोर्ड करने वाले यात्रियों को इस वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। अब बात करते हैं RAC टिकट के बारे में। तो दोस्तों, RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, ये टिकट न तो पूरी कन्फर्म टिकट होती है और न ही पूरी वेटिंग टिकट होती है। इसमें एक ही सीट दो यात्रियों को आधी आधी दी जाती है। जैसे ही कोई कन्फर्म टिकट कैंसिल होती है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की टिकट कन्फर्म की जाती है और पूरी सीट दे दी जाती है। इसके कन्फर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। बात करते हैं RAC टिकट से जुड़े उन कॉमन सवालों की जिनका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। RAC का डब्बा कौन सा होता है? दोस्तों, RAC का कोई अलग से डब्बा नहीं होता है। जो स्लीपर और AC डब्बे होते हैं उनकी साइड लोअर और साइड अपर सीट पर ही RAC टिकट दी जाती है। हाँ, एक बात और, RAC टिकट सिर्फ स्लीपर और थर्ड AC कोच में ही दी जाती है। सेकंड और फर्स्ट AC में RAC टिकट नहीं होती है। इस टिकट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने पर जो चार्ज कटता है वो कटकर रेलवे आपके बचे हुए पैसे आपको वापस कर देगा। और अगर यात्रा करते हैं तो आपको आधी सीट पर यात्रा करनी पड़ेगी। दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि मेरी टिकट कन्फर्म होने के कितने चांस हैं और अगर कन्फर्म होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ऐसा है भाई कि ये बता पाना तो मुश्किल है कि आपकी टिकट कन्फर्म होगी या नहीं। फिर ये काफ़ी चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि आप जिस रूट पर या जिस गाड़ी से आप सफ़र करने वाले हैं वो कितना बिजी रूट है, आप किस दिन सफ़र कर रहे हैं, उन दिनों छुट्टियों का सीज़न चल रहा है या त्यौहार चल रहे हैं, आपने टिकट कितने दिन पहले बुक करवाई थी आदि। तो आपकी टिकट कन्फर्म होने के कितने चांस हैं ये इन सब बातों पर डिपेंड करता है। बाकी हाँ, इतना ज़रूर है कि RAC टिकट के चांस वेटिंग टिकट की तुलना में पहले कन्फर्म हो जाती है। और रही बात कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी टिकट कन्फर्म हुई या नहीं,
तो ऐसा है दोस्त, जब ट्रेन का चार्ट बनता है यानी ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले आपके पास रेलवे की तरफ से मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको आपकी टिकट का स्टेटस पता चल जाएगा। बाकी आप 139 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और काफ़ी सारी एप्लीकेशन भी हैं जिस पर आप अपनी टिकट के PNR नंबर से भी अपनी टिकट के स्टेटस को पता कर सकते हैं। शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में उस कोटे के बारे में बताऊंगा जिसमें टिकट सस्ती भी होती है और कंफर्म भी होती है। उस कोटे का नाम है करंट कोटा। होता क्या है, काफ़ी बार ट्रेन में सभी कोटों से बुकिंग होने के बाद भी ट्रेन में कुछ सीटें खाली होती हैं। ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले जब चार्ट बनता है तो उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो रेलवे उन सीटों की कीमत कम कर देता है। तो अगर आपको करंट कोटे से बुकिंग करनी है तो चार्ट बनने के बाद जर्नल कोटे से बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट बनने के बाद जर्नल कोटा करंट कोटे में बदल जाता है। ऐसा आपको बुकिंग के टाइम पर अलग से करंट कोटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको भारतीय रेलवे के बुकिंग सिस्टम के बारे में बताने की। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।